वेलकम टू कुक विद चेतना। आज हम बनाने जा रहे आमरखन। उसके लिए फ्रेश ताजा दूध लिया है, एक आधा लीटर बिना बॉईल किया हुआ। अब इसे हम बॉईल करने रखेंगे। फिर इसमें 50 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और इसे उबलने तक, एक उबाल आया कि हम गैस बंद कर देंगे और इसे नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे। अब इस दूध को गुनगुना होने को रखा था, वो गुनगुना हो चुका है। अब इसमें हम, खट्टा नहीं चाहिए बिल्कुल, दही मेरन डाल दिया है। अब इसे हम ढक्कन रख के दही बनने को रखेंगे। ये देखिए दही जम के हो चुका है। अब इसे हम एक छन्नी रख के पतले कपड़े में ले लेंगे ताकि इसका पानी सब निकल आए। बस अब हम इसे इस तरह रख के 2 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। बाहर रखेंगे तो अभी गर्मी का सीजन है, फिर वो खट्टा होने लगेगा। इसके लिए इसे हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखने के बाद इसमें का पूरा पानी निकल गया है। अब इसे हम एक पॉट में लेंगे पहले। अब इसमें मैंगो का पल्प डाल के थोड़ा सा इलायची पाउडर और मैंगो एसेंस, थोड़ा सा आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम, या फिर व्हीप क्रीम थोड़ा डालेंगे तो भी चलेगा, और थोड़ी सी शक्कर। फिर इसे हम अच्छे से फेटेंगे। इसे 7-8 मिनट तक इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया। अब रेडी है ये। अब इसे हम कितना देखिए फ्रेश एकदम क्रीमी वाला आमरखन रेडी।